नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। दर्शकों, आज एक बेहद खास और बेहद दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। क्या है वो विषय जरूर बताएंगे आपको, मगर उससे पहले हमेशा की तरह स्वागत करेंगे द फेमस पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कई बार हम सुनते हैं, कोई कहता है कि किसी ने हम पर कुछ कर दिया है, जादू टोना ऊपरी बाधा, या कोई कहता है कि काला जादू कर दिया है किसी ने। क्या वाकई में ये सब कुछ होता है, ये बातें सत्य हैं? आइए दर्शकों, बात करते हैं एक ऐसी सब्जेक्ट की जिसको लेकर के कई बार आप भ्रमित हो जाते हैं। कई बार आपके मन में ये वहम जगह बना लेता है, क्या वास्तव में हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, क्या वास्तव में ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ होती है, टोना टमका जादू मिस्मरिज्म, इस प्रकार की कुछ चीज़ें क्या संसार में होती हैं। देखो भाई, संसार में है सब कुछ। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो श्री दुर्गा सप्तशती में भी सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में आप देखेंगे तीसरी चौथी लाइन, मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी कि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जो प्राणी पढ़ता है वो मारण से उच्चाटन से इन सब चीज़ों से बच जाता है। तो कहने का मतलब संसार में है सब कुछ, मारण प्रयोग भी होते हैं, उच्चाटन प्रयोग भी होते हैं, मतलब मन को उष्टा देना। आप बहुत अच्छा से जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार को संभाल रहे हैं, लेकिन आपका मन उससे हट जाएगा। दो मित्रों के बीच में उच्चाटन क्रिया करा देना, दो इतने अच्छे मित्र थे चाहे वो मेल फीमेल हों या मेल मेल हों, उनका मन एक दूसरे से कट जाएगा, उच्चाटन क्रिया होती है। विद्वेषण क्रिया, झगड़ा करा देना, कलह करा देना, ऐसे ही सारी चीज़ें होती जरूर हैं, लेकिन बात है कि क्या वास्तव में आपके संग ऐसा हुआ है, ये चीज़ जानना जरूरी होता है। कई बार हम वहम का शिकार हो जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने बहुत तगड़ा तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर किसी ने कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहचानना होगा। आइए सबसे पहले मैं आपकी जन्म पत्रिका से आपको कुछ बातें बताता हूँ। अगर किसी भी प्राणी की जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में चंद्र शनि की युति हो जाए और दोनों कमजोर अवस्था में हो, बाय द वे शनि मेष राशि के हों, नीच राशि के हों और चंद्रमा उनके साथ बैठ ही गए, ऐसी अवस्था में भी या कहीं ना कहीं लग्नगत भी ऐसा हो सकता है, पंचम भाव में भी ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति में भी ऐसा व्यक्ति भूत प्रेत छाया दोष का शिकार बहुत ज़्यादा होता है। संसार में दर्शकों इतना ही नहीं है जितना आप और मैं जानते हैं, संसार में बहुत कुछ है, लेकिन कई बार अंधविश्वास को जन्म मिल जाता है। बहुत लोग नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं, मेरे अंदर प्रेत की शक्ति आ गई, मेरे अंदर मेरे पितर आ गए, बहुत लोग ऐसा नौटंकी भी करते हैं, मेरे अंदर भगवान आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो भगवान तो साक्षात हैं, वो कभी किसी के अंदर क्यों जाएंगे, हमारे अंदर ही परमात्मा है, कण कण में शंकर है, कंकर कंकर में शंकर है, लेकिन कई बार ऐसा ड्रामा भी किया जाता है। लेकिन आपका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अचानक आपका व्यापार नस्तनबूत हो जाता, चलता हुआ कारखाना बंद हो जाता, कल कल करती हुई नदी का वेग रुक जाता, मेघों का स्तंभन हो जाता। तो दर्शकों इस संसार में ये 100% सत्य है, ब्लैक मैजिक भी होता है, किया कराया भी होता है, जादू टोना मारण मूठ क्रियाएँ सारी चीज़ें होती हैं, मुठकरनी प्रहार होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार की बड़ी विद्याओं को जानते हैं। और कुछ ऐसी छोटी सोच के भी लोग होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर कुछ भी कर देते हैं, तिराहे पर कुछ रख देंगे, चौराहे पर कुछ रख देंगे, आपके घर के सामने कोई उल्टा सीधा सा दिया जला देंगे, जल छिड़क देंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं। अब देखो आप दूर मत जाओ, अब आप बहुत से लोग मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, यूट्यूब पर देखें, किसी पर भी देखें, तो कई बार बहुत लोग निगेटिव कमेंट भी पास करते हैं, ठीक है वो आपकी इच्छा है, बहुत लोग मानते हैं किसी चीज़ को, बहुत लोग नहीं मानते हैं, कई बार आपको अपनी ही नज़र खा जाती है, आप लगता है कि आप आज बहुत गॉर्जियस लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, आईने के सामने आप खड़े होते हैं, आपकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे आप पार्टी में दिख रहे हैं, लेकिन अचानक आपको फीवर आ जाएगा, अचानक आपका वो कपड़ा बेकार हो जाएगा जो आपको अच्छा लग रहा है अपने तन पे पहना हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, शोरूम से गाड़ी बाहर निकलती बाद में पहले जूता टांग लेते हैं बहुत लोग, उसके पीछे बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला
लिखवा दिया जाता है, बहुत बड़ा बंगलो बनता है, कोठी बनती है, भवन बनता है, उसके ऊपर भूत सा एक हांडी सी लटका दी जाती है जीव लटकाते हुए कि भाई किसी की नज़र ना लगे। यानी कि कहीं ना कहीं अस्तित्व तो है ना किसी चीज़ का, कुछ ना कुछ संसार में है जरूर। माताएं अपने बच्चों को दिठोना लगाती हैं, नज़र उतारती हैं, बलाएं देती हैं, तो कहीं ना कहीं है ज़रूर। अब हम कैसे पहचाने कि इस व्यक्ति के ऊपर बहुत घनघोर क्रिया की गई है? ऐसे व्यक्ति की कई बार बनियान पीली होने लगती हैं, अंदर से कपड़े पीले होने लगते हैं, कई बार गोल गोल आकृति में उसके कपड़े कटने लगते हैं, कई बार बाल उसके इतने झड़ने लगते हैं, गुच्छे के गुच्छे बालों के उतरने लगते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसको स्वप्न डरावने आने लगते हैं, उसको खून खच्चर इस प्रकार के स्वप्न ज़्यादा आते हैं, स्वप्न में मांस ज़्यादा दिखता है, उल्टे सीधे गंदगी वाले सपने दिखते हैं। और कई बार जब आप पूजा करने बैठते हो आपको अजीब सी गंध आती है, बुरी सी वास आती है, तो वो आपके मन को उद्विग्न कर देती है, वहाँ पर भी कोई चीज़ आपके ऊपर प्रकोपित हो रही है। कई बार आप पूजा करने बैठेंगे आपको गंदे गंदे ख्याल आएंगे, बुरी बुरी बातें आपके दिमाग में आएंगी, कई बार सिगरेट की स्मोक आपको बहुत ज़्यादा, आप अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर महसूस होने लगती हैं। कई बार आपको लगेगा किसी चीज़ ने आपको छेड़ा, कई बार आपको लगेगा किसी चीज़ ने आपको स्पर्श किया। तो बहुत चीज़ें हैं, ऐसा बात नहीं हर चीज़ को हम लोग मजाक में लें, और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ को हम अंधविश्वास में लें, दोनों ही बातें। इसलिए दर्शकों, ब्लैक मैजिक ये सारी चीज़ें अगर समय रहते हमें पता लग जाए, हमें उनका उपचार करा लेना चाहिए, हम उनका उपचार जरूर करें। और अगर किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है तो ऐसे प्राणी को 41 दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, हनुमंत पंजीरा का पाठ करना चाहिए, हनुमान साठिका पढ़नी चाहिए, आपको खुद में महसूस हो जाएगा कि आप कितने स्वस्थ हो रहे हैं। आपके कारोबार में कोई बंधन आ गया, आपकी जॉब में कोई बंधन आ गया, आपकी देह में कोई बंधन आ गया, तो देह बांधने वाले मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को आप जरूर पढ़ें। कारोबारिक रूप में ऐसा कोई बंधन आपको नज़र आता है तो कारोबारिक खोलने वाले जो मंत्र होते हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें। अपने क्या करें, आप भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएं और थोड़ा चढ़ा हुआ जल घर वापस लाएं, उसके छींटे आप अपने घर में मारें, अपने व्यापार स्थल में मारें, थोड़ा चरणामृत के रूप में उसको पीजिएगा भी, आपको लाभ मिलेगा। और एक क्रिया होती है जिसको हम उतारा क्रिया कहते हैं, ऐसी स्थिति में कई विशेष प्रकार के मरीज के उतारे कराए जाते हैं, ऐसी स्थिति में कई विशेष प्रकार की पूजाएं बताई जाती हैं, ऐसी स्थिति में कोई विशेष प्रकार के ऐसे प्राणी को जड़ी बताई जाती है कि बेटा आप ऐसी जड़ी पहनो, आप बेटा ये जड़ी पहनो। ऐसी स्थिति में जहाँ लगता है कि हमारे देह को बांध दिया है, 114 मुखी रुद्राक्ष गजब का कार्य करता। सिंगल 114 मुखी रुद्राक्ष नहीं होता, उसको संयोजन करके 9 मुखी 11 मुखी 12 मुखी गणेश रुद्राक्ष, सारे रुद्राक्षों को संयोजन करके पूजित करके तब 114 मुखी एक तरह से दिव्य कवच तैयार किया जाता। दूसरी बात, कई बार इस प्रकार से घनघोर आपको रात्रि में लगेगा कोई चीज़ आपको छेड़ती है, आपको लगेगा कोई सुइयाँ आपके बदन में चुभती हैं, आप कहाँ हट्टे कट्टे इंसान से एकदम सूख करके आप कांटा हो गए हो, तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर 5 नदियों का शुद्ध जल का आप एक बार स्नान करके किसी हरे भरे वृक्ष में डाल के देखो, वो वृक्ष सूख जाएगा, मतलब किसी छोटे पौधे में भी डालोगे तो वो सूख जाएगा। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर इतनी बुरी क्रियाएँ हो जाती हैं, आप कहीं रात को जाते हैं, रात को जाते हैं, कोई ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की ऐसी बुरी नज़र लग जाती है, या कोई व्यक्ति आपके मान से सम्मान से किसी न किसी चीज़ से ज्वेलरी सी कर बैठता है और आपके ऊपर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कर देता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में मेरे ऊपर ऐसा कुछ है, मेरे परिवार के ऊपर ऐसा कुछ है। कई बार परिवार में इतने बड़े बड़े हादसे होने लगते हैं, एक डेथ के बाद दूसरी डेथ, जवान जवान व्यक्तियों के परिवार के अंदर श्रृंखला सी बन जाती है, डेथ होती रहती है। कई बार परिवार इतना कर्ज में दलदल में डूब जाता है, अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार, कमाता खाता परिवार, और पूछिएगा मत कि एक एक रोटी को मोहताज हो जाता है। कई बार आपके पैसे इतने वेस्ट होते हैं, इतना सब कुछ ख़राब होता है कि आपके घर में ही सारी आफतें आती हैं। कई बार इतना क्लेश, इतना प्रचंड तरीका का क्लेश आपके घर में होने लगता है कि आप सोचते हैं हम पढ़े लिखे इंसान हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन अचानक ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो दर्शकों, ऐसी जगह जागना होगा। कुछ चलते चलते आपको उपाय भी बताऊंगा मैं, कुछ उपाय आप नोट भी कीजिएगा कि हमें प्रतिदिन सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हमें अपने घर के अंदर ऐसी स्थिति में अंबिका यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हमें ऐसी स्थिति में शावर मंत्र एक पढ़ के सुना देता हूँ, रिकॉर्ड कर लेना या जैसी मर्जी कर लेना, उसे पढ़ना चाहिए,
क्या मंत्र? मंत्र बहुत आसान है, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। रोज गूगल की धुनी दें, 41 बार 51 बार इस मंत्र को पढ़ें, और वो जो जल आपने सामने रखा है थोड़ा सा उसका छींटा दें, या रोगी के ऊपर दें, या उद्योग स्थल में दें वो छींटा, आपके कारोबार में लाभ मिलेगा। और एक बात और, फिर भी कोई बात पकड़ में ना आए तो किसी मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति से आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं या अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं। जी सर, एक सवाल यहाँ पर और करना चाहूँगी, बहुत सारी बातें आपने बताई। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू किया है, तो क्या हाथ की रेखाएं बता सकती हैं कि इस व्यक्ति पर काला जादू हुआ है? देखो नाम, हालांकि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो तो एक नाम उपमा है। ब्लैक मैजिक यानी कि बुरा असर डालने वाला कोई क्रिया इसके ऊपर कर दी गई है। अब उसमें षट कर्मों में यदि हम आते हैं तो उसमें विधिवेषण, उच्चाटन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगी। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, षट कर्म के बारे में आप देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब हाथ की रेखाएं ऐसे प्राणी की अक्सर उलझी उलझी हो जाती हैं, जिसके किसी के ऊपर कुछ ऐसा कोई प्रहार किया हुआ होता, मोटी सी भाषा में उसको ब्लैक मैजिक कह देते हैं, नहीं तो देसी भाषा में किया कराया कह सकते हैं, और दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं भाई इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया या इसके कार्य के लिए किसी चीज़ के लिए कुछ कर दिया है। बहुत लोग कहते हैं हाउ कैन बी पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है? भैया बहुत कुछ हो जाता है संसार में, कुएं को मतलब मेंढक को कुआ जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा संसार नहीं है। जब मेंढक कुएं से बाहर आता है तो पता लगता है संसार कितना बड़ा। तो वही वाली बात है कि आप और मैं जितना जानते हैं, हो सकता है मैं आप उतना अच्छा ना जानते हो जितना और संसार जानता है, और लोग जानते हैं, तो बहुत कुछ है। शास्त्रों में अगर मारण प्रयोग की बात आई है, जादू की बात आई है, विधिवेषण की बात आई है, उच्चाटन की बात आई है, तो वो गलत नहीं हो सकती अगर कहीं ना कहीं ये बात आई है। अब उस विद्या को कोई गलत इस्तेमाल करे तो वो बहुत गलत बात है, दुख की बात है। बहुत लोग इन विद्याओं को सीख लेते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं, बहुत लोगों को ये विद्याएँ हस्तगत हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। आपकी हाथ की रेखाएँ बहुत ज़्यादा गुच्छे गुच्छे से बनने लगे हैं, तो भी मैंने देखा है कि ऐसे लोग किसी न किसी बुरी चीज़ का, बुरी नज़र का शिकार हो जाते हैं। अक्सर पेशाब जैसी बदबू आना, गंद आना, घर से अच्छी सी मलिनता के साथ बदबू आना, जबकि घर में सफाई भी हो रही है, तो भी कुछ ना कुछ निगेटिविटी है। घर की तुलसियों का मुरझा जाना, अच्छे से पुष्प ना दे पाना, फसल का कुंभला जाना, पशुओं का दूध देना बंद कर देना, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, बारीकी से समझनी पड़ेंगी। घर में संतान उत्पत्ति ना होना, और जो सदस्य हों उनका भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहना, तो कहीं ना कहीं या तो वास्तु में कोई बहुत बड़ी समस्या है, हस्त रेखाओं में समस्या है, कुंडली में बहुत बड़ी समस्या है, या भाई कोई आपके इस तरह से पीछे पड़ गया है। अब ईर्ष्या जब होती है तो उसका कोई नाम नहीं होता। जब किसी को किसी से ईर्ष्या हो तो कंस को भगवान श्री कृष्ण से हो गई, रावण को भगवान श्री राम से हो गई। तो जब ईर्ष्या होती है ना, आपने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का देखा होगा, तो जब ईर्ष्या होनी होती है तो किसी को किसी से भी हो जाती है। लोग भगवान से भी नफरत करने लगते हैं, ऐसे भी संसार में लोग हैं, ऊपर वाले से नफरत करने लगते हैं, मेरी और आपकी तो बात किया। तो इसीलिए ऐसी स्थिति के लिए किसी मर्मज्ञ का सहारा लें और पूरी जानकारी रखें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी सर, ब्लैक मैजिक की जब बात आती है, या जैसे आपने कहा आम भाषा में हम कह देते हैं कि कोई किसी पर कुछ कर देता है, कई बार हम ये भी देखते हैं ये किया कराया इस हद तक हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को अपने बस में कोई कर लेता है, पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है, ऐसा सब कुछ भी होता है कि किसी की कमांड किसी के हाथों में चली जाए? ऐसी क्रियाएँ होती हैं, आपने हिप्नोटिज्म सुना होगा, हिप्नोटाइज व्यक्ति को कर लिया जाता है। त्राटक की क्रियाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति दूर बैठा व्यक्ति फूल को तोड़ दे, दूर बैठा व्यक्ति किसी बर्तन को उसमें तड़क आ जाए, तो ऐसा बहुत कुछ होता है। दौड़ती हुई घड़ी को रोक दे अपनी आंखों से, तो वो त्राटक विद्याएं होती हैं। हर तरह का संसार में व्यक्ति है, हर तरह का अपना अपना ज्ञान है, लेकिन कहने का मतलब हमें अगर कहीं कुछ ऐसा थोड़ा सा भी भास हो तो हमें उसका उपचार कर लेना चाहिए, नहीं तो कई बार जीवन में बहुत बड़ा खमियाजा, बहुत बड़ी दिक्कत भी हमें उठानी पड़ जाती है। हाँ, हमें अंधविश्वास बहुत नहीं करना चाहिए, अच्छे से हमें किसी की बात को समझें तब हम विश्वास करें। और इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले उपाय बताए वो आप जरूर करिएगा।
इसके लिए बजरंग बाण जरूर पढ़िएगा, इसके लिए हनुमंत पंजीरा का पाठ जरूर करिएगा। मंगलवार के मंगलवार हनुमंत पंजीरा पढ़ते रहिएगा और शनिवार की शाम को भैरव पंजीरा पढ़िएगा। देखो कुछ बड़ी बड़ी बीमारी के लिए बड़े उपाय करने पड़ते हैं, ये नहीं कि छोटा सा आपने मोती पहन लिया और आप ठीक हो जाएंगे, नहीं साहब। 114 मुखी रुद्राक्ष का महाकवच गले में धारण करिएगा। घर में अंबिका यंत्र, इसके लिए अंबिका यंत्र की साधना की जाती है, ऐसी स्थिति के लिए अंबिका यंत्र और सूर्य यंत्र घर में रखे जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का घर में वास बनाइएगा। वास्तु का स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों को आप ध्यान से रखेंगे तो निश्चित तौर से आपकी विजय होगी। और फिर भी देखो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसी ऐसे मर्मज्ञ से जिसको लगता है कि हाँ भाई ये प्राणी हमारे चीज़ों को समझ सकता है, तो उसको, जैसे हम बीमारी होती है हमें कई बार पता नहीं लगता हमें बीमारी क्या है, डॉक्टर समझ जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, कुछ भी समझ जाते हैं, बीमारी पकड़ में आती है, तो किसी ऐसे मर्मज्ञ से मिल लेना चाहिए ताकि सही आपको राय मिल सके। जी सर, यंत्र साधना के बारे में भी यहाँ आपने बताया, अंबिका यंत्र और सूर्य यंत्र की साधना करनी चाहिए। तो जब किया कराया की बात आती है तो जो मंत्र का उच्चारण करना है साधना करते समय, वो वही मंत्र हैं जो अक्सर आप बताते हैं या कुछ भिन्न मंत्र का उच्चारण करना है? देखो इसके लिए अलग अलग लोगों के ऊपर क्या चीज़ है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, छाया दोष है, पितृ दोष है, या घर में कोई समस्या है, या ऊपरी बाधा है, या करकंटक कुछ चीज़ें हैं, क्या है, वो हर तरीके से अलग देखी जाती हैं, फिर अलग उपाय होते हैं। लेकिन जो मैंने कॉमन सी जैसे बात बताई, हनुमंत पंजीरा पढ़ें, शनिवार के दिन भैरव पंजीरा पढ़ें, बहुत आपको अच्छा आराम मिलेगा, बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। आपको अंबिका यंत्र की हम राय देते हैं और उसमें हम आपको एक साधना जो बताते हैं, सतोगुणी काल का 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भवन द्वार, 2 पक्ष निर्मल, 13 देवी देव, 4 अष्टभुजी परमेश्वरी, 16 रुद्र सेव, जो हम आपको बताते हैं बहुत बढ़िया बताते हैं, उसको आप पढ़ के देखें, लाभ मिलेगा। पांचों कोष वस में होते हैं, पांचों चीज़ें वस में होती हैं, पांचों तत्व आपके वस में होते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये सारी की सारी जो हम आपको, इसके साथ में दुर्गा स्तुति देते हैं और सारी चीज़ें देते हैं, तो वो सब चीज़ें लाभ करती हैं। और नहीं तो आप तो दूर दूर हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे होते हैं बैठे, आप कहीं भी आसपास जो आपके कोई अच्छे मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति हों, आप उनको मिलें, एक बार राय लें, वो कुछ कहते हैं फिर किसी और से मिलें, क्रॉस राय लें, ताकि आपको अपना पूरा यकीन आए, आप किसी वहम का शिकार ना बने। मेरा मतलब ये है वहम का शिकार ना बने, अच्छे से आपका इलाज हो सके और ताकि आपका जीवन खुशहाली के साथ व्यतीत हो सके। जी तो दर्शकों, आज आपने काला जादू यानी ब्लैक मैजिक के बारे में शर्मा जी से जानकारी प्राप्त की। रही आपकी समस्याओं के समाधान की बात, शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने की बात, तो उसके लिए नंबर्स लगातार आपके सामने आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा 10:00 से शाम 6:00 के बीच में। और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जानने के लिए, देखने के लिए आप हमेशा हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं, सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं किन कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का, ठीक है, पेमेंट्स नहीं आ रहे थे, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो सिर्फ मंत्र से ही मैं नहीं मानता हूँ, वो जब आप डिप्रेसिव मूड से आउट होते हैं तो आपके बहुत सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं, एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका, करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था, मैं यही सोचने परेशान था ये शुभ है अशुभ है क्या चीज़ है। तो इनसे मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं, कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या है, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया, इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं।
प्रतिदिन अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु एवं अपने समस्त कष्टों के निवारण हेतु आप हमारे फेसबुक पेज से अवश्य जुड़ें। हमारा फेसबुक पेज है PROF.धर्मेंद्र शर्मा। इसी प्रकार से आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।